हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए नई माए अपनी डाइट में शामिल करें ये फूड। फ्रेंड्स, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, तो वो बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी मेरे तो 3-3 बच्चे हैं, तो मैं कुछ शायद मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से ये चीज़ को फील कर सकती हूँ। और लेकिन सिर्फ माँ बनना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि जब आप नई नई माँ बनी होती है ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जितनी भी सारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, वो तो सब बाकी बात की बातें हैं। सबसे पहले अगर एक नई माँ के ऊपर जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ये होती है कि अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना। अब जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उन्हें तो हम डांट के डपट के खिला पिला देते ही हैं, पर जो छोटे से बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको तो क्या चाहिए, सिर्फ माँ का दूध। तो ऐसे में कई बार होता क्या है ना कि कई कंडीशन में मतलब कुछ लेडीज ऐसी होती है बीमार जिनके मतलब बेबी डिलीवर होने के बाद भी उनको मतलब या तो ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है, या फिर अगर आता भी है तो वो इतनी क्वांटिटी में मतलब कम होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड तो करा लेती है लेकिन उसका पेट नहीं भर पाती है। फ्रेंड, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपका बेबी रो रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि बच्चा आपका भूखा है। तो ऐसे में आप उसे फीड कराती है लेकिन आपको फिर भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बच्चा बार बार रो रहा है या, तो उसका मेन रीज़न बस यही है कि आपका बच्चा है ना वो भूखा है, उसका पेट अच्छी तरह से नहीं भर पा रहा है। अब आप इसमें क्या कर सकती हैं, क्योंकि जितना ब्रेस्ट से मिल्क उतर रहा होगा आप उतना ही तो पिला सकती हैं। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ कर सकती हैं कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स को ना ऐड कर सकती हैं जिससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है ना वो अच्छे से आए और आपके बेबी का जो टमी है ना वो फुल हो जाए। फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम इज मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जई का दलिया यानी कि ओटमील आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन बी का बेहतरीन स्रोत होता है और विटामिन बी का बेहतरीन सोर्स होता है और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ओट्स में फाइबर उच्च मात्रा में होते हैं और ये एनर्जी से भी भरपूर होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आप डेली अपनी ब्रेकफास्ट में ओट्स खाएं। फ्रेंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी के पत्ते, सरसों का साग और बथुआ, ये सभी आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे खनिजों का बेहतरीन सोर्स हैं। इनमें बीटा कैरोटीन का एक रूप और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए अगर आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है तो आपको हर रोज कम से कम एक बार हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए सबसे पहले सौंफ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद ऑस्टेजेनिक कारक लैक्टेशन में मददगार होते हैं। इसके अलावा सौंफ में पोटेशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन 6 और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नई माँ को सौंफ खाने की सलाह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ये शिशु को गैस और पेट दर्द की परेशानी से बचाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का सबसे अच्छा फूड लहसुन है। लहसुन में ऐसे यौगिक मौजूद होते हैं जो दूध बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसके अलावा लहसुन खाने से महिलाओं को कई तरह के कैंसर से भी बचाव मिलता है। लहसुन की कुछ कलियां भूनकर सूप या सब्जी में डालकर खा सकती हैं। फ्रेंड्स, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, साथ ही इसके शीतल प्रभाव ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने और शिशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करते हैं। आप चाहे तो तुलसी को चाय में डालकर ले सकती हैं या फिर गर्म पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर रोज सुबह इस पानी को पीने से भी ब्रेस्ट मिल्क में बढ़ोतरी होती है। शकरकंद कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है जो कि नई माँ को एनर्जी प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शकरकंद में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और मैग्नीशियम होता है और ये सभी पोषक तत्व दूध बढ़ाने में मदद करते हैं। आप चाहे तो शकरकंद की स्मूदी बनाकर ले सकती हैं या फिर इसे ऐसे ही उबालकर भी खा सकती हैं। आप कच्चे पपीते को सलाद में किसकर खा सकती हैं। कच्चा पपीता स्तन के दूध को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, बादाम एक ऐसा सुपर फूड है जो विटामिन ई और ओमेगा 3 से भरपूर होता है। दुनिया के कई हिस्सों में बादाम को सबसे अच्छा अल्पाहार माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं और यही कारण है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं यानी कि जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उन माओं के लिए डॉक्टरों द्वारा बादाम खाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, दालें स्पेशली मसूर दाल न केवल आपकी स्तन दूध की आपूर्ति बढ़ाने में
सहायक मानी जाती हैं, बल्कि ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होती हैं। मसूर दाल में बहुत सारे खनिज, विटामिन और प्रोटीन पाए जाने की वजह से ये दुनिया भर में आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। दूध पिलाने वाली स्त्री, अगर सोया दूध यानी कि सोयाबीन का दूध पिए तो शिशु को पिलाने के लिए दूध बढ़ जाता है। सोया में प्रोटीन की भी उच्च मात्रा होती है।